1957 में जर्मनी में एक ड्रग लॉन्च हुआ, उसका नाम था थैलेडोमाइड। उसे बहुत ही सेफ सेडेटिव माना जाता था कि इसके कितना भी ज़्यादा अगर हम इसका डोज ले लें तो इससे कोई सुसाइड नहीं कर सकता है। इनका जो क्लिनिकल रिसर्च उन टाइम पर कर रखा था वो एनिमल्स पे, वो हाई डोज में कर रखा था, उसे डेथ नहीं हो सकती है। तो इसको बहुत ही सेफ ड्रग के तौर पर मार्केट में लॉन्च किया गया और इसको लोग कंज्यूम कर रहे थे, उन्हें अच्छा फील हो रहा था, मॉर्निंग सिकनेस में भी इसमें साइड इफेक्ट में नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे प्रेग्नेंट वुमेन इसको कंज्यूम करने लगे और उन्हें इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। ठीक, तो कंपनी को लगा कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसको कंज्यूम कर रही हैं तो हम स्पेसिफिकली उनके लिए भी इसको प्रमोट करते हैं, और उन्होंने प्रमोट किया और ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेल हुआ। उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 40 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग जर्मनी, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज मिला के 40 कंट्रीज में ये मेडिसिन सेल हो रही थी। अब ये US मार्केट को भी टारगेट करना चाह रहे थे, तो फिर यहाँ इन्होंने वहाँ के लिए अप्लाई किया एज ए न्यू ड्रग एप्लीकेशन में, और वहाँ पे एक न्यू मेडिकल रिव्यूअर अपॉइंट हुई थी, उनका नाम था डॉक्टर फ्रांसिस किल्सी, और उन्होंने इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ की क्लिनिकल रिसर्च की स्टडीज़ जो भी हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है और वो उतनी साइंटिफिक नहीं साउंड कर रही हैं, इसलिए मैं वो उनको अप्रूव नहीं कर सकती है। अब बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्शन हुआ क्योंकि कंपनीज़ को लग रहा था कि 40 कंट्रीज़ में ऑलरेडी है, हम इतने ईयर से 2-3 साल से हम इसको हर जगह सेल कर रहे हैं और किसी को इतनी दिक्कत नहीं महसूस हुई, तो आपको क्यों दिक्कत महसूस हो रही और आप क्यों नहीं हमें अप्रूवल दे रहे हैं। एक FDA ने उनको बैक किया, एक तरह से सपोर्ट किया कि ठीक है आपको आपको अगर नहीं लग रहा है तो आप अप्रूव मत करिए, बट वो कंपनी के तौर पे काफ़ी प्रेशर था। उन्होंने बार बार अप्लाई किया, न्यू फॉर्म अप्लाई किया, बट इन्होंने बार बार उसको रिजेक्ट किया। और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट में वो प्रेग्नेंट वुमेंस जो इस ड्रग को ले रही थी, उनके जो बेबीज़ हुए तो एबनॉर्मल थे। वो एबनॉर्मल इन द सेंस कि उनका पूरा डेवलप नहीं हुआ था, किसी के हाथ छोटे थे, किसी के पैर छोटे थे। अप्रॉक्सीमेटली रिपोर्टेड है कि 10,000 चिल्ड्रंस में वो प्रॉब्लम्स पाएगी। आप ये समझ सकते हैं कि एक पर्सन के सूझबूझ से उन्होंने एक सही डिसीजन लिया, क्योंकि वो एक फार्माकोलॉजिस्ट थी, उन्हें इन चीज़ों के बारे में सही से पता था, ड्रग्स के बारे में उनकी पुरानी जो उनकी PhD के टाइम की भी स्टडीज़ थी वो उनके काम आई, और उन्हें एक डिसीजन लिया कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट एनिमल्स पे स्टडीज़ नहीं हुए हैं, तो मगर प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा हम नहीं बता सकते, और इस बेस पे उन्होंने उसको रोका था, और उसकी वजह से US में कितने सारे चिल्ड्रंस बच गए ये अबनॉर्मेलिटीज होने से। US गवर्नमेंट ने उन्हें हाईएस्ट विलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर किसी काम को बहुत ही ईमानदारी से करता है और अगर वो कैपेबल है, एक राइट पर्सन राइट प्लेस पे है राइट वर्क करने के लिए, तो वो सही काम को करेगा। और कभी भी हम केवल जनरलाइज नहीं कर सकते, हम ये बोल के हमें नहीं काम करना चाहिए कि 40 कंट्रीज़ में तो चल रहा है तो ठीक ही होगा, वो लोग भी सही से चेक किए होंगे, तो अगर वहाँ दिक्कत नहीं आ रही तो यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अपने ब्रेन को माइजा यूज़ करना चाहिए। अगर उन्होंने उस टाइम पे अपनी बात नहीं सुनी होती या फिर अपने तरीके से एक स्टैंड नहीं लिया होता तो शायद US मार्केट में वही तबाही आती जो यूरोप और बाकी सारी कंट्रीज़ में आया था। और इस ट्रेजडी के होने के बाद ड्रग्स के सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा। अभी हम बोलते हैं ना सेफ्टी, क्वालिटी और इफिकेसी, सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेज़र है किसी भी ड्रग के लिए, कि वो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट कर रहा है तो वो कितना तक कर सकता है ना। क्लिनिकल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी स्टडीज़ करने की ज़रूरत होती है, और बाद में भी कोई भी ड्रग अप्रूव होता है मार्केट में आता है तो उसके बाद भी फार्माकोविजिलेंस के थ्रू हम उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं ये कर रहा है कुछ ऐसे पेशेंट्स पे जो उस टाइम क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे लिमिटेड होते हैं, और जब मार्केट में आता है तो बहुत सारे लोग वो ड्रग को कंज्यूम करते हैं। तो कंपनीज़ गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू ये जानना चाहती हैं कि जो भी ड्रग है वो सेफ़ है, जिससे इस तरह की चीज़ें वापस ना हो जो पहले पास्ट में हो चुकी हैं।